हेलो दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यूज की वेबसाइट 5 मिनट में कैसे तैयार कर लें, चाहे PHP की हो चाहे वर्डप्रेस की हो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यूज वेबसाइट के बारे में। सबसे पहले तो अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मृत्युंजय दालना को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हमारा जो चैनल है आपको हमारे वीडियोज आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर किसी भी टाइप की वेबसाइट, जो न्यूज की वेबसाइट हो चाहे ब्लॉग की वेबसाइट हो, आप रेडी कर सकते हैं। और आपको किसी भी डेवलपर को, टीम को, या फिर किसी वर्डप्रेस डेवलपर को किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है और उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एक न्यूज वेबसाइट बनाने के लिए याद रहे दोस्तों कि आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, एक होस्टिंग होना चाहिए और एक सर्वर होना चाहिए, जो आप किसी भी, जैसे कि ये hostinger.com से भी परचेज कर सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, goviralhost.com से भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको सस्ती होस्टिंग और सपोर्ट भी इसका बहुत बढ़िया है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से भी ले सकते हैं, आपको 400-500 रुपये होस्टिंग मिल जाएगा और 1000 रुपये में डोमेन, मतलब आप समझ लो 1000 से 1500 रुपये के अंदर आप खुद से अपनी वेबसाइट, न्यूज की वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लॉग की वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। डेमो के लिए मैं आपको 3-4 वेबसाइट का लिंक दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस टाइप की वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। आप एक वेबसाइट ये दे सकते हैं, ठीक है, और TV9 हिंदी हो गया, एक सिंध इंडिया हो गया, ठीक है, एक मैं खोल देता हूँ, ये सिंध इंडिया लाइव न्यूज हो गया, क्योंकि अभी थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो है तो माफ़ी चाहूँगा। आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, बहुत अच्छा वेबसाइट है, मैंने बनाई है, सिर्फ ये मैंने तो 2 मिनट में वेबसाइट तैयार कर ली, डोमेन होस्टिंग मेरे पास था, मैंने तैयार कर ली। एक सिंध इंडिया न्यूज न्यूज खुल रही है, एक साइट में और आपको दिखा रहा हूँ, ब्लॉगिंग वेबसाइट है बैंक एडवाइजर, ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी साइट है, इसको भी मैंने तैयार करी है, तो इसको भी आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैंने इसको डिज़ाइन करा हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी साइट है, आप इसके आधार पे बहुत ही अच्छी वेबसाइट 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट शायद अभी कुछ टेक्निकल इसमें खुल नहीं रही है, अभी ये अभी मैं देख लूँगा इसको। तो ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, देर करने से बेहतर है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास याद रहे कि एक डोमेन होना चाहिए, एक होस्टिंग होना चाहिए और एक सर्वर होना चाहिए, जो आपको 500-600 रुपये में यहाँ से मिल जाएगा। और हमारे पास सबसे पहले आप दोस्तों आप एक वेबसाइट पे चले जाएं, nalev.com पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट से किसी भी टाइप का थीम आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वर्डप्रेस की थीम हो चाहे PHP की थीम हो, कैसी भी थीम हो उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके वर्डप्रेस सेक्शन में आते हैं, थीम सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, ये थीम सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे थीम में आपको बहुत सारे थीम मिल जाएंगे, जो आपको थीम चूज करना है कर लें, वो आपकी मर्जी है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको वर्डप्रेस पे बनानी है, ठीक है, तो ये थीम आप ले लें, ठीक है, फोक्सीज, ये खुल रही है, मैं सर्च कर रहा हूँ फोक्सीज, ये वाली थीम ले लें, बहुत अच्छी थीम है, आपको फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड सेक्शन से, ठीक है, पेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले उसके बाद आपको जी फाइल आपके लैपटॉप पे मिल जाएगा, उसके बाद आपको ध्यान रहे कि आपके पास होस्टिंग होना चाहिए, होस्टिंग मेरे पास है यहाँ पे, ये तो इसको मैं होस्टिंग लॉगिन कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट वर्डप्रेस, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप होस्टिंग करके सपोर्ट से बात करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करवा सकते हो, वो इंस्टॉल कर देते हैं। अब हम आते हैं किस पे, हमारी एक थीम, कोई भी एक साइट ले लेते हैं, उस थीम साइट पर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं bankadvisor.com पे आता हूँ, ठीक है, इसका ये WP एडमिन होता है, जो आप जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। आप गूगल YouTube भी कर सकते हैं कि होस्टिंगर का वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद ऐसे एक ID पासवर्ड मिलेगा, आप उसको लॉगिन कर लें, लॉगिन करते ही आपको यहाँ खुल जाएगा, एक मिनट खुल रहा है, तो मैं आपको गाइड करता हूँ, एक और वीडियो में दिखाता हूँ आइडिया। ये टेकी आइडियाज़ भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी साइट मैंने बनाई है, ये सेम फोक्सिस के ही थीम पे मैंने इसको बनाया हुआ है, तो आप इसका भी आइडिया ले सकते हैं, बहुत अच्छी थीम है, ठीक है। इसका भी मैं एडमिन लॉगिन आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है, ये एडमिन लॉगिन है यहाँ से, इसका भी आप उस तरीका आगे फिर बताता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, आईडी पासवर्ड से यहाँ से आके लॉगिन करना है, yourdomain.com/wp-admin पे, ठीक है, ये आ गया आ गया। अब हम लोग सेक्शन में यहाँ पे लॉगिन करेंगे, सबसे पहले आपको जिप फाइल मिलेगा, उस जिप फाइल को याद रहेगा, उसको क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, ठीक है, आपको आना है कहाँ पे दोस्तों, अपीयरेंस सेक्शन में आना है, और आना है कहाँ पे दोस्तों, थीम में, थीम में आ जाए, थीम में आने के बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा यहाँ पे एड क्या कहते हैं सॉरी ये एड न्यू थीम, ठीक है, एड न्यू थीम पे आ जाए,
उसके बाद यहाँ पे अपलोड का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐड आ रहा है सब, एक मिनट मैं हटा देता हूँ ऐड को, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड सेक्शन में आ जाए दोस्तों। अपलोड करने के बाद इस पर क्लिक करके जो जिप फाइल आपको डेस्कटॉप में आपने डाउनलोड करी है फ्री में, उस जिप को यहाँ पे अपलोड करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अगला जो सेक्शन मिलेगा एक्टिवेट करने के लिए, उसको एक्टिवेट कर लें। और जब जैसे ही एक्टिवेट करेंगे आपका थीम यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा। अब आपको सबसे दूसरा काम क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको डेमो इंस्टॉल करना है। डेमो इंस्टॉल करने के लिए क्या, एक मिनट थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो हो गया है दोस्तों, तो कुछ आते रहता टेक्निकल इशू, एक मिनट। यहाँ से आ जाना है दोस्तों कहाँ पे, इंस्टॉल प्लगइन पे, ठीक है। थीम पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल प्लगइन पे आ जाएंगे। अब इंस्टॉल प्लगइन पे जैसे ही आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे सारे बहुत सारे डेमोज मिल जाएंगे, डेमो प्लगइन मिल जाएंगे, जो रिक्वायर्ड प्लगइन से वो आपको सारे इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। ये मेरा प्लगइन अपडेट करने के लिए कह रहा है, तो मैं इसको फिलहाल अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट में अपना प्लगइन अपडेट कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी याद रहे कि दोस्तों आपके वेबसाइट अगर डब्ल्यू पी एडमिन कुछ भी अपडेट करने के लिए मांग रहा है तो तुरंत उसको अपडेट कर दें, ताकि कुछ बग हो तो सारे बग फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रहे कि सब चीज़ आपको लेटेस्ट वर्जन ही रखना है आपको, ठीक है। मैं बैक कर लेता हूँ। अब दोस्तों थीम इंस्टॉल करने के बाद आपको जो ध्यान रखना है, कहाँ पे आना है, फॉक्सिस एडमिन यहाँ पे मेन्यू मिलेगा, उसमें आने के बाद आपको आना है कहाँ पे दोस्तों, डेमो इम्पोर्टर में। डेमो इम्पोर्टर में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर लेना, जो आपको थीम इंस्टॉल करना है इसमें से, ठीक है। जो भी आपको करना है बस आपको यहाँ पे इम्पोर्ट ऑल डेमो पे क्लिक करके इम्पोर्ट कर देना, वो डेमो ऐसा वेबसाइट आपको इंस्टॉल हो जाएगा। अब बन के वेबसाइट आपकी होगी रेडी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Thank you so much.